लेकिन उस उनका जो प्राथमिकता था वो काफी गलत था मतलब अलग था इसलिए पहला जो हमारा मकसद होना चाहिए परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए प्रार्थना करना चाहिए मनुष्य जो है

और जो हमें पास पक्षियां हैं देखे जानवर है वो लोग का जो ज्यादा मेन मकसद है वो खाते रहते हैं रिसेंटली वी आर टू स्मॉल डकलिंग्स इन आवर हाउस हाल में ही मेरे घर में दो डकलिंग्स बत्तख हैं बत्तख हैं देख यूज्ड टू क्राई व्हेन दे डिड हैव फूड वो काफी चिल्लाते हैं उनके वो खाना नहीं मिलता है तो जो रहता है वो जानवर का खाना खाने का ऑल एनिमल्स और सारे जानवर जो है पक्षियां है उनको खाना खाना but, बहुत अच्छा but And food is not the most important thing. Uh, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं की मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है तुम्हारे लिए खाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है so न करे जाने के लिए आप परिश्रम करें जो आपको अनंत जीवन के लिए ले जाता है

It's uh, a verse uh, 11, chapter, what? chapter 8. Amos, chapter 8. Amos, art. Amos, art. Gera. What's Gera? Behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine of bread and thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Just uh,

है जो गए सरकार के जरिए में खाना मिलता है अकाल का जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अकाल आएगा the famine is come now. और अब आ गया है सुन नहीं रहे हैं क्यों क्योंकि वो काफी सारे अपने कामों में और खाने पीने में जीवन व्यस्त किए हुए ऑफ मैसेजेस ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर बट गॉड इज नॉट स्पीकिंग टू पीपल्स हार्ट और कितने सारे यूट्यूब ऑनलाइन में संदेश है वचन के लेकिन परमेश्वर जी उनके हृदय से बात नहीं कर रहे हैं। और जब व्यक्ति जो है परमेश्वर की सच में आवाज सुनता है तो उसका जीवन बदल जाता है the life changes, they repent and turn to God. और उसका जीवन बदल जाता है मन फिराता है प्रभु की ओर लौट जाता है Is coming into your heart. और लेकिन कई लोग है, परमिशों के सुन तो रहे, लेकिन उन जो है उनके दिल में नहीं जा रहा है उनका जीवन बदल नहीं रहा है वो अपने बुरे चाल चलन को अपने जिससे वो प्रेम रखते है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं जब कभी व्यक्ति जो है परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर से बात करते हैं और सैमुअल के समय में परमेश्वर ने सैमुअल से ही बात किया जो जो वजनदार जो uh, हो गया था गॉड स्पोकिंग टू इलाई और परमेश्वर ने एलाई से, से बात करना मना बंद कर दिया था गॉड ओनली स्पोक और परमेश्वर जो है सैमुअल से बात करना शुरू किया था क्योंकि वो Samuel को जो था भूख और प्यास थी। said, no, I, to him, to God, और वो कहता था मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है अब मैं परमेश्वर के लिए ही जीऊंगा वेयर गॉड और कहाँ है जीवित परमेश्वर गॉड स्पीक और जब परमेश्वर आपसे बात करता है so और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं वो पूरी हृदय से प्रभु को नहीं ढूंढते हैं God, God अगर आप परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे really with and we'll walk and with God. सिर्फ ज्ञान से ही नहीं बल्कि सच में आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा say, Lord, और कहना है प्रभु मेरी जितने भी ऊर्जा है ताकत है शक्ति है सब प्रभु आपके लिए खुश करने के लिए एंड दिस वर्ड लेबर इज हार्ड वर्ड और ये जो परिश्रम है काफी कठिन परिश्रम करना है लेबर मींस मजदूर और जो लेबर होते हैं वो मजदूर रहते हैं

और परेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो काफी मेहनत करते हैं परमेश्वर और परमेश्वर आलसी लोगों से बहुत ही दूर रहता है नफरत करता है आपको पता ही है जो सरकारी जो लोग कर्मचारी रहते हैं काम करते हैं काफी आलसी रहते हैं वो ले देर से काम पे आते हैं breaks. काफी लंबा जो है आराम करते हैं And they leave time. वो समय से, भी, जा... They leave time. और समय से पहले भी चले जाते हैं वो कोई भी उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करता क्योंकि उनके काम जो है अस्थाई हो गए like अगर कोई काम भी दिया जाए तो काफी शिकायत करते हैं और जब हम शिष्य चेलो को बताता है, है तो हमें कहता है तुम एक कठिन परिश्रम करो लेबर फॉर द लॉर्ड और जो लेबर होते हैं जो uh, सी के जितने भी सब चेले थे सभी लोग आ, काफी परिश्रम करने वाले And थे 16. रोमियो के अध्याय आप सोलह में अगर देखेंगे तो रीड अबाउट सो मेनी नेम्स कितने सारे जो है नाम लिखा गया है वहाँ पे ट्राइफी सो मेनी नेम्स ये सब जो नाम है वहाँ पे लिखा गया है

और ऐसे व्यक्ति जो है आत्मा आगे बढ़ेंगे the more we अगर हम हम इस तरह से हम जीवन करेंगे आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ जाएंगे अगर आप आत्मिक जीवन में आप आलसीपन करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे so God wants us to be for Him. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए परिश्रम करें एंड

और जब आप प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु uh, मुझे भी मजदूर ऐसे ही समय बिताना नहीं चाहता हूँ जाना मीटिंग और इधर उधर नहीं करना चाहता बल्कि सच में मैं प्रभु आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु आपकी मैं वचन को पढूंगा आपके साथ-साथ चलूंगा आपकी संगति में रहूंगा दैट लेबर इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज़ वी लव द लॉर्ड और ये जो uh, मजदूर मेहनत है वो uh, आसान सॉरी uh, uh, आप प्रभु के लिए करते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा हेब्रू चैप्टर 6 इब्रानियों के अध्याय छह में

और प्रभु जो कुछ भी आप हमें करने के लिए कहेंगे आपके लिए मैं सेवा करूंगा। आई 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 एम 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 डूइंग 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 फॉर 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 द द द द एंड एंड सिस्टर्स इन चर्च पीपल लॉर्ड। और जो कुछ भी हम कलीसिया में भाई बहनों के लिए हम करते हैं वो सब परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं प्रभु कहते हैं यदि तुम अपने

और कई व्यक्ति जो है इसलिए करते हैं कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा वो गलत मोटिव से करते हैं। लेकिन हम प्रभु के शिष्य होने के नाते हमें ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ लेकिन मैं जो किया हूँ प्रभु आपकी महिमा हूँ और हम हमें uh, जो है परमेश्वर की सेवा या कुछ करते हैं तो अंदर से हैं। saints, और हमें से प्रेम करना है परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है परमेश्वर के लिए सब करना है नॉट बिकॉज ऑफ एनी कम्पल्शन और आपको कोई ये दबाव से नहीं करना है ना ही कि आपको कोई कहा है इसके लिए करना है बल्कि खुशी से करना बाइबल जो खुशी से आनंद से जो परमेश्वर के लिए करता है प्रेम में करते हैं और परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखते हैं चिल्ड्रेन इन और जैसे एक माँ जो है अपने बच्चों के लिए अपने घर में सब करती है उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलता है और वो इसलिए करती है उसे तो सब कुछ काम करना रहता है घर में सफाई भी कप धोना बर्तन धोना सारी चीजें घर की काम करती है सब बच्चों के लिए करती है और उसके लिए वो काफी दुख दर्द भी हो, नहीं होता है ने, ने, पनी और उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता उनको। और आज के दिन जो है सब घर के जो काम करने वाले रहते हैं उनको पेमेंट मिलता they should है। get a सैलरी उसको पगार मिलना चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ हार्डवर्क क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं But a true लेकिन सच्चे एक uh, माँ होगी वो कभी भी ऐसे नहीं कहेगीवन देख देन चौबीस घंटे और सात सप्ताह जो है प्र, प्रभु के लिए करेगी अपने पति ऐसी प्रेम रखेगी बच्चों ऐसी रखे ये बहुत ही अच्छा प्रेम है प्रभु को भाता है लॉर्ड और इसलिए हमें परमेश्वर के लिए जो है मेहनत करना चाहिए बिकॉज लॉर्ड एंड लव लीपल क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के लोग से प्रेम रखते प्रेमस और परमेश्वर हमें जो है प्रतिफल देगा नॉट ओनली इस जीवन में ही नहीं बल्कि एक जीवन जो आ रहा है उसके लिए भी सो so देर और इसलिए हमें जब तक हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं हमें अपने भाई बहनों को प्रोत्साहन देना है That is a wonderful life to live. और ये अद्भुत जीवन है जो हम जीना चाहते हैं और और ऐसे ऐसे ही ही यीशु यीशु मसीह मसीह के चेले जीते थे। this is how Jesus lived. और ऐसे जीवन जीते थे थे जीवन प्रभु ने हमें ये छोटी सी जीवन दिया है हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए People in this world only live for themselves. और इस संसार के लोग जो हैं अपने लिए जीते हैं ऐसे ही जीवन जीते हैं For the glory of God and for the glory of the saints and to bring other people to the Lord. So many missionaries have come from foreign countries. They left all their comfort of their homes to come to India. बहुत सारे व्यक्ति हैं बाहर देश से हमारे देश में आए अपना सब कुछ त्याग दिया और यहाँ पे आके काफी दुख से सुसमाचार को फैलाया सौ सौ साल पहले यहाँ पे काफी सारे लोग आए सुसमाचार को दिया और यहाँ पे आए दुख उठाया समाचार बताया और यहीं पे मर गए हमारे लिए प्रार्थना किया यू you नो know आपको पता है आप यहाँ पे कैसे आए हो मैनेशन इन दिस कंट्री क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दुख उठाया प्रार्थना किया अपना हम सब के लिए जान भी दिया सारी चीजें उन्होंने किया इसलिए कि आज हम यहाँ पे हैं।

जो को, कोई बॉम्बे में आ, आ, इंडिया में आते थे वो बीमार जल्दी होते थे टाइफॉयड होते थे मलेरिया होते थे और वो मर जाते थे एंड तभी तो वो काम करते रोते रोते वो लोग सुसमाचार बताते थे एक गांव में दूसरे गांव जाके और बाद में एक साल के बाद वो बीमार होके मर जाते थे लेकिन वो हमेशा प्रार्थना करके मरते थे प्रार्थना किसके लिए मेरे लिए आपके लिए वी आर ऑल सिटिंग बिकॉज एक दिन हेवन में जाएंगे विल सी दीज एंड प्रे टू गॉड

Uh, to make a big career of yourselves, these things will all perish. आप ज्यादातर यहाँ पे रिश्तेदारों के साथ परिवार, कामधंदे, ये सब के लिए आप मत, ये एक दिन तो आप चल छोड़ दोगे। All the worldly things will soon perish. संसार की सारी चीजें एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। Solomon was a man who ran after so many earthly things. He made big big houses, gardens, uh, and horses, uh, so many things he had uh, built up in his uh, kingdom. और सुलेमान जो था अपने समय में काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए बड़े बड़े आ, महल बनाया और काफी सारी चीजें ऐशो आराम की जीवन जिया वो भागते रहते भाग, हमेशा भागते रहते ये काम करना वो काम करना ये काम करना प्रभु के लिए कोई टाइम नहीं था उसका पहले वो क्या था वो बुद्धिमान आदमी था प्रभु उनसे बात किया बाद, बाद में वो बिल्कुल बेवकूफ हो गया ही बिकेम वेरी फुलिश बिकॉज रन आफ्टर ऑल इस चीजों के पीले भागते रहे काम करते रहे और अंत में उन्होंने क्या किया व्यवस्था विवरण में वैनिटी इज वैनिटी ऑल इज वैनिटी सब व्यर्थ है मैं क्या करूं मैं जो सब बेवकूफी है सब व्यर्थ है प्रभु की पीछा प्रभु को प्रभु को मैंने ढूंढा नहीं है उससे क्या उसने पीछे पीछे करते और सब मूर्ति पूजा में गए उसको इतना सारा लेडीज को शादी किया उनका जीवन बिल्कुल नीचे गया कितना सा विश्वासी भी होते हैं पहले पहले अच्छे आते हैं बहुत उत्सुकता से आते हैं बाद में उसका जीवन बिल्कुल नीचे चले जाते हैं परिपाप में जाके गिर जाते हैं कितने पास्टर लोग भी है व्यभिचार में गिरते हैं पैसे की लालच में है झगड़े करते हैं ये करते हैं वो करते हैं परमेश्वर की प्रेम उनका जीवन से गायब हो गया व्यर्थ है कोई बुद्धि नहीं उनका जीवन बेवकूफ हो गया हमारा जीवन में प्रभु कहते हैं देखो आप प्रभु के लिए काम करो परिश्रम करो एक मजदूर जैसे मैं प्रभु ने मेरे इतना प्यार किया दुनिया की खाना के लिए मैं खाने के लिए मैं और फूड के लिए मैं परिश्रम नहीं करूँगा प्रभु जो कुछ भी मैं किया मैं प्रभु आपकी आनंद मेरे जीवन में होगा मैं आपको धन्यवाद करके हर चीज में जो करता है छोटी चीज बड़ी चीज लॉर्ड मैं प्रभु के लिए, की सेवा के लिए करूंगा मैं आपके लिए करूंगा मैं एक दिन में मैं, मैं आंख खोलूंगा मैं आपको देखना चाहता प्रभु यही मेरा मकसद होना चाहिए मेरा इच्छा होना चाहिए प्रभु मेरा जीवन में ऐसा जीवन जियेंगे तो आप प्रभु की प्रभु कहेंगे आप शाबाशी प्रभु से मिलेंगे हम लोग निराश नहीं होगा ऐसे लोग कभी निराश नहीं प्रभु आपको उत्साह देंगे आप कभी डिप्रेस नहीं होगा मतलब कई बोलते हैं कि मैं तो डिप्रेस हो गया प्रभु के लिए जियो प्रभु के लिए हाँ बोलो प्रभु के लिए ना बोलो लोगों के लिए लोगों को खुश करने के लिए बैठो मत डोंट लिव टू प्लीज पीपल हाँ मुझे टाइम नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ नहीं गाना खा का सकता हूं, मेरे टाइम जा नहीं सकता है कई लोग बुलाते हैं चलो चलो इधर आ जाओ ये करो वो करो आज हम लोग सब एक मूवी के लिए जा रहा है हम इधर इधर जा रहा है वो उधर जा, जा रहा है तो मैं हमको बोलना है मुझे इसके लिए टाइम नहीं मुझे ये चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है ये मुझे प्रभु का काम करना है प्रभु मुझे बताएंगे वो ही काम करूंगा प्रभु की इच्छा करना है यशु मसीह ने कहा मेरा व्हाट इज माय फूड माय फूड इज टू डू द विल ऑफ गॉड मेरा खाना क्या है प्रभु का इच्छा करना है वो तो समारूमन के साथ बात कर रहे थे क्यों इतना ज्यादा लंबा बात किया उन्होंने तो बोलो ये समारया के लोगों को उद्धार मिलना है समारिया के लोगों को उद्धार यही मेरा यशु का मकसद था तो यीशु के चेले खाना ब्रेड लाने के लिए गए थे तो देखा यशु मसीह ने इन लोग औरत से बातें कर रहे थे तो क्या बात कर रहे क्यों बात कर रहे वो समझ गया तो बल्कि आओ प्रभु चलो खाना खाओ हम लोग ब्रेड लेके आया यशु मसीह ने क्या कहा मैं जो खाना खाता हूँ मुझे ये खाना मैं दूसरा खाना खाता हूँ माई ब्रेड इज टू डू द विल ऑफ गॉड तो उन्होंने सोचा क्या और कोई उनको खाना लेके आया कि नहीं नहीं प्रभु का इच्छा था लॉर्ड आज मेरा दिन मैं प्रभु का इच्छा करना चाहता हूँ उत्सुकता से करो प्रभु के लिए ऐसा नहीं करो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलना है कई लोग प्रार्थना करते हैं मुझे कुछ कुछ प्रभु से क्या मिला फिर लोग उनका जीवन वो पिछड़ जाते हैं वर्ल्ड लॉर्ड आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया वे गा, गाना गाते हैं प्रभु के लिए हमको जीना चाहिए प्रभु के लिए मेहनत करना चाहिए क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत ही प्रेम किया है यू हैव द लेबर ऑफ लव फॉर द लॉर्ड एवरीथिंग दैट वी डू द स्मॉलेस्ट थिंग जो कुछ भी हम लोग छोटी चीज करते हैं हेवन में रिकॉर्डेड है तो so हमको हम लोग भी कभी भूल जाते हैं मैंने प्रभु के लिए किया आदत बन जाता है प्रभु के लिए जीना प्रभु के लिए सोचना सब प्रभु के लिए होना था यही हमारा जीवन का दिस बी द एम इन आवर लाइफ नॉट टू बिकम ग्रेट एंड टू बिकम गेट समथिंग इन दिस वर्ल्ड लाइक द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड let the people of the world think what they want about us. People, apostle paul, Galatians chapter 6, he's become like a mad person. and apostle paul, maybe i also don't bother about them. they also don't bother about me. i'm living for god. to live and please people is the worst bondage. let us live to please god. whatever i do, i want to please god. So let us live like that, brother, brothers and sisters.